আসসালামু আলাইকুম, কেজেন গোঠা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন। এই যে গেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সিআইআরজির মেন গেট। এখান থেকে আমরা প্রবেশ করছি, দেখতে পাচ্ছেন যে গেট খোলা হলো। সাধারণত এখানে পারমিশন ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয় না। আমাদের সাথে সিআরজির সায়েন্টিস্ট বসে আছেন আমাদের গাড়িতে, ওনাকেও দেখাবো। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केजीएन गोठफार्म। तो अभी हम लोग है सीआईआरजी मथुरा में और पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, शॉर्ट फ्रॉम सीआईआरजी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीआईआरजी में। 755 एकड़ में फैला ये फार्म सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, जहाँ पे जकराना, बरबरी, सिरोही, बीटल, इस तरह के जो नस्ल है भारत में पाई जाती है, उस नस्ल के ऊपर काम होता है। कैसे उनका तरक्की किया जाए, दूध की बढ़ोतरी, बच्चे देने की क्षमता में चेंजेस लाया जाए, तो इस तरह का काम और संरक्षण यहाँ पे होता है। और पूरे फार्म की ओवरव्यू लेंगे। आपका परिचय दीजिए सर जी। मेरा नाम चिन्नू है। अच्छा, मेरा गोट फार्म है ताज गोट फार्म। और ये लोकेशन, लोकेशन मेरा पड़ता है आगरा से 30 किलोमीटर आगे। अच्छा, सरा गांव। अच्छा, और मेन हाईवे पे आगरा दिल्ली वाले हाईवे मेरा फार्म है। अच्छा जी। तो दोस्तों आप लोग सुन लें, इनका जो फार्म है आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये अभी हम लोग घूम रहे हैं सीआरजी के अंदर, बहुत ही शानदार नज़ारा आप लोगों के लिए। और दिखाते हैं, बहुत ही पास से एक मोड़ देखो, बहुत ही पास से एक मोड़ दिखाता हूँ। देखिए ये मेल है या फीमेल है? तो दोस्तों ये तो मेल है और जिसकी पूछ नहीं होती वो फीमेल होती है। ठीक है, बहुत ही शानदार यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है पूरा। तो चलिए और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। ये चारा है ना? कौन सा चारा है? ये बकरियों के लिए हरा चारा है। पर तो आपको दूर से ही दिखाते हैं, ये देखिए मुजफ्फर नगरी जो भेड़ होती है उसी का भाड़ा है ये, मुजफ्फर नगरी सेफ। तो चलिए दूसरे भाड़े पे भी ले जाते हैं। तो अभी टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, राजस्थान निकलना है, तो जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए वीडियो ये बन रहा है। ये देखिए मोर आ रहा है। मोर ही मोर दिख रहा है अभी इस पूरे रास्ते में। उधर देखिए कम से कम 10-15 मोर है।
ये बगते हुए कितने खूबसूरत बच्चे लगे। इधर देखो ये मोरनी, इसको बोलते हैं मोरनी, और ये जो पूंछ वाली है इसको बोलते हैं मोर। कितना खूबसूरत देखिए, बहुत ही लंबे पूंछ के अंदर है। देखिए देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी हम लोग घूम रहे हैं CIRG मथुरा में। तो ये जो पूरा जो ग्रेजिंग एरिया आप लोग देख रहे हैं, जितने भी बकरियां यहाँ पे है बाड़े पे, उनको ग्रेजिंग के लिए लाया जाता है इन सब क्षेत्रों में। और पूरा बकरी मतलब अपने हिसाब से ब्राउजिंग जो एनिमल होती है बकरी अपने हिसाब से खाती है। और ग्रेजिंग बकरियों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा रहता है उनके स्वास्थ्य के लिए। ग्रेजिंग के साथ साथ उनको हरा चारा भी दिया जाता है और कंसंट्रेटेड फीड भी दिया जाता है। टोटल बॉडी वेट के ऊपर 1% उनको दाना दिया जाता है। मतलब कोई 100 किलो का अगर बकरा है तो उनको 1 किलो दाना यहाँ पे दिया जाता है, वो भी मिक्स दाना। बच्चों के लिए थोड़ा अलग रहता है सिस्टम, उनका जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो थोड़ा अलग रहता है। और बड़ी एडल्ट बकरियों के लिए, जवान बकरियों के लिए थोड़ा अलग रहता है। देखिए मोर। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट पे बताना, और हमारे चैनल और चिन्नू भाई के चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, इनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप लोग इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखिए ब्लैक बंगाल जो पहले होती थी अभी नहीं है। एक शानदार नज़ारा, बर्बरी का स्टैचू बनाया गया है जो कि CIRG बर्बरी के लिए मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। और वहाँ पे देखिए एक बर्बरी बकरी साथ में उनके दो बच्चे। ये स्टैचू है लेकिन ओरिजिनल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। देखिए बर्बरी।